दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो ये है सोनालिका DI-35 इंटरनेशनल सिकंदर ट्रैक्टर है, आप देख सकते हो DI-35 सोनालिका इंटरनेशनल सिकंदर। ये ट्रैक्टर है, हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस ट्रैक्टर है। तो इस ट्रैक्टर के रिव्यू की बात करेंगे हम। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट में सोनालिका की बैजिंग मिलेगी आपको, बहुत शानदार बैजिंग के साथ ही ट्रैक्टर आता है। फ्रंट लुक से देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको ये सोनालिका 35 सिकंदर दिखाई देगा। फ्रंट में हैवी ड्यूटी बम्फर दे दिया है कंपनी ने, देख सकते हो। और ये इंजन को हवा जाने के लिए बहुत शानदार जाली दे दी कंपनी ने, बहुत बड़ी, और उसी के नीचे एक टोक भी दे दिया है कंपनी ने। दोस्तों, इसके हम फ्रंट एक्सल की बात करेंगे तो स्ट्रेट फ्रंट एक्सल दे दिया, जो कि बिल्कुल सीधा है, आप एडजस्टेबल है नहीं, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें मैनुअल स्टेयरिंग मिलेगा आपको, पावर स्टेयरिंग ऑप्शनल में आप ले सकते हो सोनालिका 35 में। फ्रंट टायर साइज देखोगे आप इसके तो 616 के फ्रंट टायर साइज मिलेंगे आपको। दोस्तों सोनाली का 35 में आपको जो सबसे जो 2021 में चेंजिंग की है कंपनी ने, इसका एक तो साइलेंसर चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो। जो पुराने मॉडल में साइलेंसर आता था वही अब इसमें दे दिया है सोनालिका में, आप देख सकते हो। और वहीं DI-35 की बैजिंग के नीचे कंपनी ने एक लोगो लगा दिया है, 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, आप देख सकते हो कंपनी लिख भी रहा है। और सिल्वर हेडलैम्प मिलेंगे आपको ट्रैक्टर में, आप इधर से देखोगे तो साइलेंसर के नीचे एक, यानी कि एक जो उसके कोनी पे एक हीट गार्ड भी लगा दिया है, ताकि आप इसकी गर्मी से किसी का भी हाथ ना जले। और यहाँ पर अल्टरनेटर मिलेगा और एक हाइड्रोलिक पंप, और हाइड्रोलिक पंप के भी नीचे एक हीट गार्ड मिलेगा, ताकि ट्रैक्टर को चलाते समय ड्राइवर के पैरों तक इंजन की गर्मी ना पहुंच पाए। और उसी के नीचे एक यहाँ पे एक अल्टरनेटर मोटर, सॉरी स्टार्टर मोटर मिलेगी, और उसी के नीचे एक ऑयल, जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसका फिल्टर है, और उधर कुआँ एक इंजन ऑयल फिल्टर मिलेगा। और साइड में एक बैटरी बॉक्स भी कंपनी ने दे दिया है, देख सकते हो आप। बैक इंडिकेटर की बात करें तो आप देख सकते हो कितने शानदार इंडिकेटर दे दिए हैं कंपनी ने। ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक की वेजिंग फेंडर पे मिलेगी, देख सकते हो आप। ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ ही ट्रैक्टर मिलेगा, बहुत स्मूथली दबा सकते हो। तो आप दूसरी साइड से ट्रैक्टर को देखोगे तो कुछ इस तरह का व्यू आएगा। और हम इसके पंप, इंजन पंप की बात करें तो इसमें बोसच इनलाइन कंपनी का पंप दे रखा है कंपनी ने, और ये वाटर सेपरेटर मिलेगा, और दो हाइड्रोलिक फिल्टर दे रखे हैं। और ये ट्रैक्टर जो है 39 HP की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। हाई टॉर्क जो है इसका 167 Nm का टॉर्क है। हाई पावर इंजन नेटेड RPM 1800 आपको मिलेंगे कंपनी के, देख सकते हो आप। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लैट प्लेटफॉर्म जैसा ही प्लेटफॉर्म दे दिया है कंपनी ने। तो चढ़ने के लिए एक सीढ़ी दे रखी है। और ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो आपको एक RPM मीटर मिलेगा, ऑयल प्रेशर और फ्यूल गेज मिलेगा, और टेम्परेचर वाला और बैटरी वाला। RPM मीटर की बात करें तो आपको 1700 RPM पर ये PTO के चक्कर 540 चक्कर देगा ट्रैक्टर। और स्टीयरिंग, सादा स्टीयरिंग ट्रैक्टर है ये, राइट साइड में एक हैंड रेस मिलेगी, और उसी के साथ एक ही स्विच में कंपनी ने सारा सिस्टम लगा दिया, देख सकते हो। हॉर्न वाला भी मिलेगा, ये लाइटिंग भी इसमें ही मिलेगी, और इंडिकेटर्स भी इसी में मिलेगा, देख सकते हो आप। बस पार्किंग वाला जो है वो आपको अलग मिलेगा, देखो जैसे जल सकते हैं इंडिकेट करेंगे। बॉक्स की बात करें तो इसमें कॉन्स्टेंटमेंट्स गियर बॉक्स मिलेगा, 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर के साथ ही मिलेगा, आप देख सकते हो। इसमें 4 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स, और ये इधर जो है साइड में लोहाई मीडियम वाला गियर दे रखा है, आप देख सकते हो कैसा सिस्टम लगा दिया है कंपनी। सीट है, देख सकते हो कितनी अच्छी सीट लगा दी है कंपनी ने, एडजस्टेबल सीट है, अपने हिसाब से कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो। और यहीं पे एक PTO लीवर भी आपको मिलेगा,
देख सकते हो आप। यह है पीटी लीवर। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए ये हैंड ग्रिप दे दी है, इधर भी इंडिकेटर सेम मिलेंगे। तो रियर टायर साइज आप देखोगे तो इस ट्रैक्टर में 13-6-28 के रियर टायर साइज मिलेगा आपको। और बैक से देखोगे तो ट्रैक्टर में 3 सेंसिंग लिंकेज पॉइंट दे रखे हैं, जो कि 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और आपको एक QRC कपलर भी मिल जाएगा, देख सकते हो, जो कि टिपिंग ट्रॉली MB प्लाव चलाने में बहुत अच्छा है। और इसी को ऑपरेट करने के लिए एक ये लीवर दे दिया है कंपनी ने। रिफ्लेक्टर प्लाव लैंप मिलेगा और पीछे नंबर प्लेट दे रखी है। हुक की बात करें तो एडजस्टेबल हुक है इसमें, देख सकते हो हैवी ड्यूटी कंपनी हुक देती है। और लिंकेज की बात करें तो देख सकते हो कितनी हैवी लिंकेज दे रखी है। और उन्हीं को एडजस्ट करने के लिए साइड में एक जैक पॉइंट भी दे रखा है, देख सकते हो। एक्सल आपको सीधा एक्सल मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट एक्सल, तो बैक रियर एक्सल है। और ऑयल यानी कि तेल में डूबा हुआ एक्सल है, देख सकते हो कितना अच्छा दे रखा है। और आपको एक फाइबर की टूल बॉक्स भी मिल जाएगा ट्रैक्टर में, देख सकते हो। ये सिंगल पीस बोनेट के साथ ये ट्रैक्टर आता है, देख सकते हो आप, सिंगल पीस बोनेट है ट्रैक्टर का। और इसी को खोलने के लिए यहाँ पे की सहायता से आप इसे खोल सकते हैं और ये अपना ऑटोमेटिक उठ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।